हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की ऐसी सब्ज़ी जो कड़वी नहीं बनेगी और इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेला लिया है और इसे इस तरह से रिंग में कट किया है और बीज का पार्ट निकाल दिया है। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये मैंने एक चम्मच लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नारियल का बुरादा। अब हम इसमें एक टमाटर बारीक कट किया हुआ डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम मसाले को टमाटर गलने तक भून लेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें कट किया हुआ करेला डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे और आधा चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने से करेला कड़वा नहीं होता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है, अब हम इसे ढककर 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारे करेले की सब्जी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।